संजय जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेनिंग के बारे में, और कैसा रहा ट्रेनिंग, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो एक डिटेल्ड में चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड आई थिंक, बट वी हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू व्हाट एवर वी हैव लर्न एंड सी इट प्रैक्टिकली लाइक हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। बट आई हैव स्टार्टेड टू लाइक द डे व्हेन इट केम आई स्टार्टेड टू यूज इट इटसेल्फ। आई वॉच अ लॉट ऑफ योर वीडियोज ऑल्सो, सो वट एवर यू टोल्ड सर्टनली दैट वॉज एडिशनल टू वट आई सॉ इन द वीडियो। But in the videos also you have explained it, especially the one which is for the positive one, as well as there is one or other video was there for like the how to find the center, right? So but it was good, and I think we have to see it now, like in next couple of days or weeks itself. I'm going to practically do it and see that how it works out to be. But initial impression of it is positive, because when I used it, like it looks like it is working. And but now today, after you have that Kundalini thing which you did, so I'm hoping that it'll correct some of the other things also, which probably it was not there earlier. So yes, it is possible. Sir, जब मैंने सबसे पहले ये product लिया था, तो मैंने सोचा नहीं था कि इस चीज के लिए कोई training होती है। तो मैंने सोचा था कि YouTube पे सीख लूंगा, मैंने आपके वीडियोस देखे थे, वहां पे मैंने सीख लिया था। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट आया, मैंने ओपन किया, फिर उसके अंदर मुझे लगा, वहां पे आपने पूरा दिया था कि नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर मैं अमेज था कि एक ट्रेनिंग अरेंज की गई है। और फिर उसके बाद मतलब जैसे आज मैं बड़ा ईगरली वेट कर रहा था, और सरप्राइजिंगली मतलब जो कुंडलिनी जागरण है, आई डोंट थिंक कि कोई और करवाता है। इवन अमेजोन पे इतने सारे प्रोडक्ट्स विजिट होते हैं, लेकिन मैं उनकी भी ट्रेनिंग देख रहा था, वो आम सिर्फ बताते हैं कि बेसिकली कि ये ऐसे करो ऐसे करो। एंड यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो कि शायद हमारे साथ, सपोज आपको, आपने एक वीडियो भी शेयर की थी जहाँ पे आपको मतलब हड्डियां बोन्स मिली थी, बट हमें कैसे मिलेंगी और हमारे ऊपर क्या रिएक्शन आएगा, हाथ में क्या होगा, वो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमारे को तो पहली बार ही मिलेगा, फिर हम कुछ सोच सकते हैं कि नहीं यार समथिंग नॉर्मल विल बी देयर, बट इट कैन बी, है ना। तो वो चीज है, और किस तरह से ये फॉलो अप लेना है कि बेसिकली कहाँ पे गाइड करेगा, ये चीज है। और मतलब बहुत ऐसी चीज जो कि तंत्र, नाड़ी का यूज किस तरीके से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सवेरे उठने से लेके आगे प्रोग्रेस, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी और ने आज तक सिखाया भी होगा, टू बी मेंशनड, है ना, बी फ्रैंकली। तो ये चीज है, और जिस दिन ये आया था प्रोडक्ट, उस दिन से ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और मतलब बहुत एक्यूरेट, जैसे सेंटर फाइंड आउट करना है या कुछ, मतलब मैं कर चुका था अभी तक ट्रेनिंग से पहले। एंड एक जो मैं यूजली वास्तु करता हूँ, तो उसमें मतलब सेंटर मुझे अप्रोक्सीमेट पता था, लेकिन उससे 1.5-2 feet थोड़ा सा एक्यूरेटली उसने दिखाया, बिल्कुल एक्यूरेट। एंड मेरे घर वाले भी देखे कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ऐसे मतलब ओपन हो रहा है, बिल्कुल 100% वैसे दिखा रहा है ना। आपको दूसरी बात है, टेक्निक होनी चाहिए कि ऐसे किस तरह से होल्ड करना है, और आंसर जब तक आप सबकॉन्शियसली इससे कनेक्ट नहीं होते, ये आपने बताया और आपने कनेक्ट भी किया उस चीज से, क्योंकि जब तक आप थर्ड आई या सबकॉन्शियस माइंड को अपने इतने पावरफुल तरीके से नहीं करते हैं, तब तक रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो ये चीज भी बड़ी अलग है इस कोर्स के बारे में जो अभी आप दे रहे हैं। और मतलब, और दूसरी बात, तंत्रा के कुछ एक ऐसे जो इफेक्ट्स मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, जो आपने बताए जो पहले सदियों में यूज करते थे, मतलब हम किस एक्सटेंट तक सिर्फ एक आइडिया से बहुत सारी चीजों में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको। थैंक यू, थैंक यू सर। नरेंद्र पाल जी। हाँ जी, फॉर मी, हम एक बिल्कुल बिगनर कह लो, मुझे एक्चुअली वास्तु का आचार्य जी आपसे बस लास्ट ईयर और लास्ट फ्यू मंथ्स में ही हुआ, मैं तो इन चीजों में नहीं था बिल्कुल भी। तो जो भी आपने हमारा वास्तु किया घर का और ऑफिस का, तो वी सॉ पॉजिटिव रिजल्ट्स इन फ्यू प्लेसेस। तो फिर वास्तु का मैं इसलिए सीखा क्योंकि वी आर यूजिंग दिस कंपस पार्ट इन आर नेविगेशन,
यू नो आपके जैसे 32 पॉइंट्स होते हैं हमारे भी होते हैं सेम एग्जैक्टली सेम 22.525 का जो है, तो वास्तु में फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि वो स्टडी हम कर चुके हैं और यूज करते हैं नेविगेशन में, तो एनर्जी तो उसको कन्वर्शन मुझे बहुत इंटरेस्टेड और इजी लगा तो मैंने सीखा सब कुछ, और लास्ट लीव तो मैं इसी में फिर स्टडी वगैरह की, तो देन फिर ये ओरा वाला मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता था, लास्ट जब हम आपसे मिले तो उससे एक दो दिन पहले की बात चल रही थी, तो जैसे वाइफ वो इन ज्यादा चल तो उसने मुझे बताया कि ओरा ओरा, तो देन फिर आपसे मुलाकात भी हुई, मेरे को लगता है इट्स ऑल डेस्टिनी, हमने सोचा चलो अभी मौका भी है और बहुत अच्छा चांस है तो किया। रिगार्डिंग ट्रेनिंग, हाँ मैं मुझे एक्चुअली हम कल ही लेके आई है, मुझे नहीं पता था, और इनफैक्ट मैंने खोला भी था रात को, वाइफ ने खोला भी तो मैंने कहा मत खोलो लेट्स हैव अ ट्रेनिंग फर्स्ट तो खोलते हैं तो इट वाज अभी मुझे इससे बहुत ज्यादा मतलब कि जो मैंने लर्न किया तो मुझे लगा कि जो काफी डाउट थे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेरा कोई उसमें हाव नहीं है, तो ये चीजें जैसे आपने और बताया तो इट लुक्स टू मी राइट नाउ वंडरफुल, तो अभी करेंगे या लर्न करेंगे तो देखते हैं, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी पॉजिटिव वेरी एक्साइटिंग वाओ पिक्चर है मेरे माइंड में, अभी आगे करने पर क्या होता है तो देन आई विल सी, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी और इट्स लाइक आई फाउंड समथिंग यू नो व्हिच आई डोंट नो आप कह लो कि वो कहते हैं क्या कहते हैं जिन काइंड ऑफ कि मेरे को जिन मिला है तो लेट्स होप कि एक्चुअली आप लोग मर्चेंट नेवी में हैं जो है नरेंद्र जी अब वो सीनियर पोजीशन पे हैं तो नेविगेशन पूरे वर्ल्ड वाइड करते रहते तो वो बातें कर रहे थे कि जो इसलिए इन्होंने नेविगेशन पढ़ी। गुरप्रीत जी। हाँ जी सर, बहुत कुछ आज की क्लास से सीखने को मिला, मैंने नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग होगी जाके शोएगा, बहुत कुछ मिला सीखने को, क्लास बहुत अच्छी थी। आपने जैसे कुंडलिनी का कराया कोई नहीं कराएगा, जैसे आपने नॉलेज दी बहुत ज्यादा नॉलेज दी उससे बहुत ज्यादा बातें सीखने को मिली। ओके लेकिन गुरप्रीत जी मैं बताऊंगा ना ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है ना, एक्सपेक्ट करो क्योंकि जो ईश्वर है ना वो बहुत न्यूट्रल है, वो असिस्ट नहीं करता, उसका फुर्सत नहीं है, 8 अरब तो हम लोग इंसान हो गए हैं, फिर कीड़े मकोड़े गाय बकरी सब सबका केयर करना है उसे ना, तो एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स ऑलवेज हैव बिग एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इंसान हम 5 लोगों को देख रहे हैं, हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें प्रमोशन करना, हमें एक ईगो भी है कि मुझे लोग तारीफ करें ऐसा भी सिखाना, ठीक है ना, ईश्वर के पास ईश्वर इज न्यूट्रल, ईश्वर को फुर्सत नहीं है कि वो किसको क्या देना हो, जो आप सोचेंगे वो दे देंगे इंटेंसिटी से, इसलिए थोड़ा सा ना मैं आपका और अपना चक्र थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको इश्यू आएगा तो आई कैन सी, जो मैं क्लीनिंग अभी तो आज सबकी कर दिया हूँ मैं, लेकिन क्या है कि आपका एनवायरमेंट है पीपल विद इन होम यू आर इंटरेक्टिंग तो धीरे धीरे फिर इफेक्ट होने लगता, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, थैंक यू। और सुरेश जी, संतोष जी, सॉरी ये ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा था, जितना मैं कभी सोचा नहीं था कैसी ट्रेनिंग होगी, और लेने के बाद मैंने तरह तरह की सोची आपसे मिलके, मैंने सोचा कि कैसे क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें इतना यंत्र है छोटा छोटा डिब्बी में, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब काहे के लिए है, किसके लिए है, मैं इसको क्या करूंगा, लेकिन आज सब आज आपसे ये सारी बातें सुन जान करके इतना खुशी हुई कि आपने इस ढंग से ट्रेनिंग दिया कि लगता है कि शायद एक जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि इसी से सीखना है इसी से करना है, उस ढंग से आपने सिखा दिया कि शायद हमारे लिए एकदम बेहतर सीखने को मिला, ऐसा सीखने को मैंने उम्मीद कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रेनिंग ऐसी होगी। मैंने 2 दिन पहले से ही नम्रता को फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था मैं नम्रता जी कि ये कैसे होगा कि नहीं होगा क्या होगा, तरह तरह दिल में सोच रही थी कि आएगा कि नहीं हमको चलाने की, इतना सब इसमें खोलता था दोनों बॉक्स तो इतना देखने के बाद मेरा दिमाग ही खराब हो जाता था क्या क्या है इसमें क्या करूंगा मैं, ऐसा
लेकिन अभी मालूम चला कि ये सब जितना आपने बताया कि ये सारे चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने अपने स्तर पे, कहाँ किसको क्या करना है, किसको कहाँ देखना है, कैसे क्या करना है, सारी जो चीजें हैं सब इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीजें है कि वो गड़बड़ है। अभी सर अपने बाद में पूछेंगे, अभी आपसे पूछना था कि हमको, मैंने औरा बूस्टर भी लिया है, उसको कैसे यूज करें, किस जगह यूज करें, उसका क्या कारण है कि कहाँ उसको हम किस इसको क्या काम कर सकते हैं उससे। तो इससे सीखने को इतना बेहतरीन मिला और आप जैसे ज्ञानी और हम लोगों छोटे बच्चे की तरह के इतना बढ़िया सिखा दिया, तो शायद हम लोग भी इसका मास्टर बन जाएंगे आने वाले समय में, दो चार दिन में ट्रेनिंग करते करते अपने से सीखते सीखते मेरे मास्टर बन गए, मास्टर बन गए, सोचिए कि मास्टर बन गया हूं। इतना बेहतर आपने सिखाया, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ ना कि इसको बॉक्स को खोलता था मेरा दिमाग पागल हो जाता था कि सब क्या क्या है, मैं क्या जानूंगा। इसीलिए तीन दिन पहले से ही नम्रता जी को डिस्टर्ब करता था, नम्रता जी कब ट्रेनिंग होगी, कैसी होगी, कैसे करना है हमको, कैसे ऑनलाइन मिलना है, होगा कि नहीं होगा, 12 बजे से होगा, कितने बजे तक होगा, नेट खूब भरा के रखें, क्या करें, सारी तैयारियां करके रखा था उनसे पूछ के दो दिन पहले से। और ऐसा सीखने को मिल गया, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपसे। और टाइम का 7-8 घंटा, 7 घंटा बीतने को आ गया, टाइम भी नहीं पता चला कि 7 घंटा बीत गया। वैसे 1 घंटा तो पहाड़ जैसा लगता कि 1 घंटा बीत रहा है, लेकिन 7 घंटा बीत गया आपके साथ रहते, ऐसा पता नहीं चला कि हमारा ये 7 घंटा बीत गया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।